हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। फ्लेवर्स इन आशीष किचन में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झट से बन जाने वाले, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सूखे काले चने की रेसिपी। इन चनों को अष्टमी पूजन, नवमी पूजन के लिए बनाया जाता है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, इसे ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूखे काले चने बनाने के लिए मैंने 1 कप से नाप कर काले चने ले लिए हैं और अच्छे से वॉश करके इन्हें पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप पूरी रात नहीं भी भिगोते हैं तो भी 7 से 8 घंटे कम से कम इसे भिगोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से गलते नहीं हैं। अब इन्हें बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर। कुकर में सारे के सारे काले चने भीगे हुए डाल देंगे और मैंने इसमें पानी ले लिया है 3 से 4 कप। 1 कप से नाप कर मैंने 4 कप जितना इसमें पानी ले लिया है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ताकि चने बनने के बाद बिल्कुल भी फीके ना लगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल चुटकी भर मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे। अब गैस पर इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी का वेट करेंगे। जैसे ही 1 सीटी बच जाएगी तब इन चनों को एकदम लो फ्लेम करके आधे से पौने घंटे के लिए, 30 से 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर धीरे धीरे गलने देंगे। ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे 30 से 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल धीरे धीरे पकने देंगे। जब तक चने बॉयल हो रहे हैं तब तक बोल में चनों के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ले लेंगे काला नमक, 1 छोटी चम्मच ले लेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून ले लेंगे अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ले लेंगे गरम मसाला 1/2 टीएसपी, 1/4 टीएसपी जितना ले लेंगे हल्दी पाउडर, और अब डालेंगे इसमें पानी और इस मसाले को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ऐसा करने से जब आप ऑयल में मसाला डालेंगे तो मसाला एकदम जलेगा नहीं, धीरे धीरे पकेगा। अब ये पेस्ट बनके रेडी हो गई है। काले चने भी बॉयल हो गए हैं। अब काले चने बनाना शुरू करते हैं। सूखे काले चने बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच जितना ऑयल ले लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, और जीरे को भी भून लेंगे थोड़ा सा। जैसे ही जीरे की खुशबू आने लगती है अब इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून जितना हींग, और हींग को भी इसमें अच्छे से भून लेंगे, हल्की हल्की खुशबू आने देंगे। अब हींग और जीरा अच्छे से भून गया है, अब इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई अदरक। अदरक को भी थोड़ा सा भून लेंगे, हल्की सी खुशबू आने देंगे। अब अदरक भी अच्छे से भून गई है, अदरक में अच्छे सी खुशबू आने लगी है। अब डालेंगे मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखी थी, उसे एक बारी अच्छे से मिलाएंगे और पैन में डाल देंगे। और अब देखिए ये जो मसाले हैं ये बिल्कुल भी पैन पर चिपक नहीं रहे हैं। अगर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, डायरेक्ट मसाले डाल दूंगी तो मसाले जल भी सकते हैं और पैन पर चिपक भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इसकी पानी में पेस्ट बनाई है ताकि ये पैन पे बिल्कुल भी ना चिपके। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इस मसाले को अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया है और पानी भी इसमें से थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी
बॉयल हुए हुए काले चने और इसे अच्छे से मिलाएंगे और मसाले और काले चनों को भी आपस में अच्छे से मिक्स होने देंगे। ये देखिए काले चने और मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और चनों में से पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है। अब इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई दो हरी मिर्च। मैंने इन चनों में मसाले एकदम लाइट रखे हैं, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, क्योंकि ये चने अष्टमी पूजन नौमी पूजन के लिए बनते हैं, बच्चों के लिए बनते हैं, तो बच्चे तीखा खाना नहीं पसंद करते। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसाले वाले सूखे काले चने बनके रेडी हो गए हैं। सिर्फ 5 मिनट लगती है इन्हें बनाने में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों के हिसाब से बिल्कुल लाइट फ्लेवर्स में मैंने इसे बनाया है। अब ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालने से चनों में अच्छी सी खुशबू तो आएगी ही और साथ में जो इसमें मसाला है वो भी चनों के ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब बस ये काले चने बनके रेडी हो गए हैं और अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितने मस्त मसालेदार काले चने बनके रेडी हो गए हैं। इस अष्टमी नौमी पूजन के लिए इन मसालेदार काले चनों को ज़रूर बनाएं और अपनी माता रानी को और अपनी कंजकों को भोग लगाएं। ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना